दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। एक पोल रखा था यहाँ पे टेलीग्राम पे कि कौन सा क्लोनिंग एप्लीकेशन है जो आपके लिए बेस्ट होगा, ऐप क्लोनर या क्लोन ऐप। तो यहाँ पे 38% लोगों ने क्लोन ऐप को सजेस्ट किया है और ऐप क्लोनर को 62% लोगों ने सजेस्ट किया। दोस्तों अगर मेरा पर्सनल मैं अगर अपना रिव्यू यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐप क्लोनर भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन वो ओल्ड वर्जन स्टार मेकर को ही क्लोन कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम ऐप क्लोन की बात करें तो यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन को क्लोन कर सकता है और साथ ही साथ ये ऐप क्लोनर से भी ज़्यादा फास्ट है। अब दोस्तों कुछ लोगों में क्रैशिंग इश्यू आ रहा है, उनका डिवाइस भी इशू हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगा और साथ ही साथ एक इवेंट के बारे में भी बताऊँगा, जिसको आप जो है पार्टी रूम चैलेंज वाला इवेंट है किस कंट्री में आया उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जब सबसे पहले आप क्लोन बनाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपनी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे 32 एंड 64 बिट सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 64 बिट सपोर्ट में दोनों इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मैंने 64 बिट को इंस्टॉल कर रखा है, 32 बिट को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन किस बिट पर रन, आपके एप्लीकेशन जो है किस बिट पर रन कर रहे हैं यहाँ पे ये मायने रखता है। तो इसको एक बार जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे बहुत हद तक जो लैगिंग इश्यू है, क्रैशिंग इश्यू है, वो फिक्स हो जाएगा। इसके बाद में आप एक क्लोन बना लीजिए। तो क्लोन बनाने के बाद में आपको सिंपली आईडी बना लेनी है और आईडी बनाने के बाद में यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, पार्टी रूम चैलेंज इवेंट चल रहा है। तो दोस्तों ये जो इवेंट आया है ये आया है यहाँ पे वियतनाम कंट्री में। आपको मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में जाने के बाद में, सेटिंग पे जाने के बाद में यहाँ पे दोस्तों जनरल सेटिंग पे आप देख सकते हैं वियतनाम कंट्री में ये इवेंट आया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों आपको इसी इवेंट के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों ड्रीम वर्क पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, ड्रीम वर्क के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट जो है स्टार्ट हो गया है, पार्टी रूम चैलेंज इवेंट। यहाँ पे करना क्या होता है कि आपको एक पार्टी रूम में एक चैलेंज रखना पड़ता है, और चैलेंज में क्या करना पड़ता है कि अगर आपके रूम में 15 या 15 से ज़्यादा मेंबर आते हैं तो आपका जो है यहाँ पे लेवल 1 का चैलेंज माना जाएगा। लेवल 1 के चैलेंज में आपको कुछ गिफ्ट मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप चैलेंज पे लगाएंगे, यहाँ पे पहले आपको रूम क्रिएट करना है, उसके बाद में आपको चैलेंज पे लगा देना है, फिर आपके रूम में चाहे वो फेक आईडीज़ हो या रियल आईडीज़ हो, आपको 15 से ज़्यादा मेंबर लाने हैं तभी आप ये गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके रूम में 30 या 30 से ज़्यादा आते हैं तो ये गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, 40 या 40 से ज़्यादा आते तो लेवल 3 का माना जाएगा, यहाँ पे ये गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल 6 तक यहाँ पे लेवल है, तो यहाँ पे अलग अलग गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यूज़र के गिफ्ट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे यूज़र चैलेंज में आपको दिख जाएगा, आपको पार्टी रूम में एंटर करना है, एक सॉन्ग गाना है, 5 मिनट तक स्टे रहना है, शेयर करना है मोमेंट्स में, तो 3 डेज में यहाँ पे ये वाला गिफ्ट मिलेगा, इसके बाद 5 डेज पे ये, 7 डेज पे ये, अलग अलग यहाँ पे जो है यूजर चैलेंज को भी यहाँ पे गिफ्ट मिलने वाला है। तो इवेंट जो है दोस्तों यहाँ पे 7 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा इवेंट है, लेकिन अगर बात की जाए ट्री टास्क की कंपैरिजन की, तो ट्री टास्क का जो है रोल यहाँ पे कोई नहीं ले सकता है, और ट्री टास्क जो है बहुत ही अच्छी लूट वहाँ पे मिलती है। बाकी अगर आप चाहे इस इवेंट को देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवेंट आया था तो बताना मेरा काम था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। बाकी ड्रीम वर्क से रिलेटेड वीडियो जल्दी ही आ रही है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें, और ऐसे ही कमाल की वीडियो से बने रहने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।